इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ की बात कर लेते हैं, और उसके दो मैचेस हो गए हैं। दोनों मैचेस में इंडिया कन्विंसिंगली जीता है, और मेनली बिकॉज ऑफ बैटिंग। अगेन वही फ्लैट पिचेस, और जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि पिचेस काफ़ी फ्लैट थी, हाई स्कोरिंग ग्राउंड थे, और लेकिन बॉलिंग में काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो अभी T20 सीरीज़ में तो उन्होंने बॉलिंग काफ़ी चेंज की है, बल्कि सब चेंज की हुई है, जो बाकी उनके प्लेयर्स हैं IPL के उनको खिला रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि बैटिंग में फिर वही चीज़ के अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसी पिचेस बनाई जाए जो कि वेस्ट इंडीज़ को सूट करें, वेस्ट इंडीज़ टाइप विकेट्स बनाएँ और उस तरह की मैच सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि उनको थोड़ा सा पता चले कि कैसे खेलना है। ये नहीं होगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके आप ऐसी पिच बनाएं और फिर हार जाएं और फिर उसका सारा रोना धोना शुरू कर दें, तो फिर फ्लैट पिचेस बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ आती। तो वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से और USA के लिहाज से इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली पिचेस में। बैटिंग तो इनकी काफ़ी अच्छी जा रही है, बॉलिंग बॉलर्स भी डिफेंड कर पा रहे हैं, लेकिन वही ना दूसरे बॉलर्स हैं जो कि सेकंड टीम के बॉलर्स हैं, फर्स्ट टीम के तो बॉलर्स नहीं हैं। इस वजह से उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी वो इंडिया को मैच जिता रहे हैं। तो इन द एंड उनको दोनों मैचेस जिस वजह से जिताए हैं, या वो रिंकू सिंह है, IPL की तरफ से आए हैं और काफ़ी उन्होंने नाम कमाया पिछले IPL सीज़न में, तो इस दफ़ा भी अभी जो दो मैचेस हुए हैं मेनली उन्हीं की वजह से जीते हैं। तो दैट्स गुड कि उनके पास एक पावर हिटर भी आ रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑलराउंडर, जो कि पांड्या, हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि इंडिया के पास बैकअप पावर है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको सीखना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को इस चीज़ से, कि अपनी बी टीम को भी खिलाया जाए ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस ग्रो अप हो। ये नहीं है कि इमर्जिंग में खिला लें, ए में खिला लें, भाई आपको रोटेशन पॉलिसी अपनानी पड़ती है, जिसकी वजह से जैसे इंडिया ने अपने बॉलर्स को टोटली रोटेट किया है, और जब मेन सीरीज आएगी उसमें लेके आएंगे तो उसी से फ़ायदा होगा, ना कि आप हर टाइम एक ही बॉलर खिलाए जाएँ और वो अनफिट हो जाए, और जब बड़ा टूर्नामेंट आए तो वो अनफिट हो के साइड लाइन लगा और आपको उसकी याद आ रही हो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और ड्यूरिंग मेन टूर्नामेंट, तो ऐसे नहीं होना चाहिए।